आदेश, बहुत रात हो चुकी है, चलो सो जाओ। उर्मी, तुम सोई नहीं अभी तक? बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम ये टाई बांधोगी प्लीज? कल अगर देर हो गई तो स्कूल में डांट पड़ेगी ना। स्कूल में? तुम वाकई कल स्कूल जाओगी? हाँ। लेकिन तुम्हारा पेट दर्द, तुम कहीं दवाई और इंजेक्शन के डर के मारे स्कूल जाने के लिए तैयार तो नहीं हो गई हो ना? दीदी, दोस्त, मुझे कभी पेट दर्द था ही नहीं। और मुझे दवाई से भी डरने लग रहा था। डर तो मुझे स्कूल जाने से लग रहा था और उस मैच टीचर से। तो अब मैच टीचर से डर नहीं लग रहा है? लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, पर फिर भी मैं स्कूल जाऊंगी। पर किस लिए? वो मैंने आपको और दोस्त को कहते हुए सुना था। आप लोग कह रहे थे कि ये मेरी लड़ाई है, तो ऐसे मुझे लड़ना होगा ना। और सोच भी कह रहा था कि सब लोग उसे हरा रहे हैं। हम तो एक टीम है ना, तो मेरी वजह से मैं दोस्त को हारने नहीं दूंगी। दोस्त, हम जरूर जीतेंगे। मैं जाऊंगी कल स्कूल। उर्मी, मेरी बात ध्यान से सुनना। जितनी हिम्मत के साथ तुमने अभी सच कहा है, कल स्कूल जाकर उसी हिम्मत से सच का सामना करना। सच्चाई से कभी मत भागना। अगर कल स्कूल में तुम्हारे टीचर सबको बताना चाहते हैं कि पिछले स्कूल से तुम्हें क्यों निकाला गया था, तो उन्हें बताने दो, क्योंकि वही सच है। अगर तुम सच से भागोगी नहीं, उसे एक्सेप्ट करोगी, तो तुम्हारी टीम कभी नहीं हारेगी। और उर्मी, हमारी टीम को सिर्फ तुम जिता सकती हो, सिर्फ तुम। हम जरूर जीतेंगे दोस्त, मैं स्कूल जाऊंगी। दीदी से मिट्टी ले लोगी? अरे हाँ, दो। मुगली, ये तुम्हारे घर पर लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? नहीं, क्या हुआ? नहीं, वो मीठी तो बच्चों को देते हैं ना, और मैं तो बड़ी हो गई हूँ, तो अभी मैं जाती हूँ। ओके, बाय। दीदी, कल तुम स्कूल नहीं आई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम आज भी नहीं आओगी। ऐसे कैसे नहीं आती? मैं तो स्ट्रॉन्गर हूँ ना। हाँ, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मोटे को
शिकंजे और फुटबॉल में हराया था। अच्छा दीदी, मेरा टिफिन अपने बैग में रखो। तुम्हारा टिफिन क्यों? वरना वो मोटर मेरा टिफिन खा जाएगा। अगर मैं कल की तरह नहीं आती तो तुम क्या करते? तो उसे अपना टिफिन दे देता। मोगली, ऐसे नहीं डरते, और इतनी आसानी से तो हार भी नहीं माननी चाहिए। तुम तो मेरी टीम में हो ना, क्योंकि तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तो चलो मेरे साथ। मैं तेरे साथ क्यों खाऊं? क्योंकि तुम्हें तो बहुत भूख लगती है ना, इसीलिए तो तुम इसका टिफिन छीन लेते हो। ए, तू मुझे सिखा मत मुझे क्या करना है, चल जा यहाँ से, वरना वरना क्या? इस गुलेल से तेरी छोटी की रिबिन उड़ा दूंगा, और इस मोगली के सर के बाल उड़ा दो क्या? अच्छा ऐसी बात है, तो पहले मेरा रिबिन उड़ा के दिखाओ। करके दिखाओ। ये मैंने क्या कर दिया? शीशा तोड़ दिया। किसने किया ये सब? मुझे बताएं सर। आओ, किसने किया ये? जाकर देखो ये पत्थर किसने फेंका है। यस सर। और आप सब अपने अपने क्लासों में जाएंगे। यस सर। चलो। राम। अंकित। प्रेजेंट सर। उर्मिला शास्त्री। प्रेजेंट सर। कल कहाँ थी? वो सर पेट में दर्द था। पेट में दर्द? लीव नोट लाई हो? डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाई हो? फिर से तुम इसे अपना पुराना वाला स्कूल समझने लगी हो ना? तुम्हारी तो आदत ही छूट गई है स्कूल आने की, क्योंकि तुम बीमार हो, तुम्हें तो स्कूल आना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा पेट नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, इसीलिए तो बच्चे तुम्हें पगली कहते हैं, कहते हैं ना?
अगर पगली कहते हैं तो कुछ गलत नहीं कहते हैं। तो बता दूं सारे स्कूल को, सारी क्लास को कि तुम्हें पहले वाले स्कूल से क्यों निकाला गया था हैं? उर्मी, सच्चाई से कभी मत भागना। अगर कल स्कूल में तुम्हारे टीचर सबको बताना चाहते हैं कि पिछले स्कूल से तुम्हें क्यों निकाला गया था तो उन्हें बताने दो, क्योंकि वही सच है। अगर तुम सच से भागोगी नहीं, उसे एक्सेप्ट करोगी, तो तुम्हारी टीम कभी नहीं हारेगी। हाँ सर, आप मुझे पगली कहते हैं। स्कूल में नहीं सर, मेरे पुराने वाले स्कूल में भी मुझे सब लोग पागल ही कहते थे। सर, आप सबको बताना चाहते हो ना कि मुझे मेरे पुराने वाले स्कूल से क्यों निकाला? तो बता दीजिए, मुझे अब सच से डर नहीं लगता सर। मैं ही बताती हूँ सर। लेकिन मेरे फ्रेंड उनको सब समझ में आता था। इसलिए बोलो बोलो पास हो गए और मैं एक ही क्लास में बार बार फेल हो गई। और मैं भी सब
पूरी टीम को अपनी वजह से नहीं हारने दूंगी सर। मैं हार गई तो दोस्त भी हार जाएगा। और मनाली दीदी वो भी हार जाएंगी सर। मैं अपनी टीम को नहीं हारने दूंगी। हमारी टीम नहीं हार सकती। हम जरूर जीतेंगे सर। बंदरों की तरह और जब मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछा तो बोलती बंद हो गई। बोलती बंद हो गई। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक भी सवाल का जवाब नहीं आता इसलिए मैं तुम्हें दिवाली वैकेशन का पनिशमेंट दूंगा। फर्स्ट टर्म में इस क्लास में जो जो भी पढ़ाया गया है दिवाली वैकेशन में वो सारा काम और होमवर्क करके आओगी और मुझे दिखाओगी। समझे?